हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और आप मेरे किचन की हालत देखो, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है, बट अभी करूँगी। मैं चाय बना रही हूँ, चाय थोड़ी सी पीऊँगी, यानी गर्म बन चुकी है मेरी चाय, मेरे को खाली लेना है और फिर मैं चाय पी के काम में लगूँगी। एक बार की चाय मेरी हो चुकी है हस्बैंड के साथ में, दूसरी बार की चाय है। वैसे आज संडे है, बट हस्बैंड को जाना पड़ा है तो वो गए हैं, और अब मैं लगूँगी काम में। और अस्त व्यस्त इसलिए भी है क्योंकि कल शाम को मेहमान आ गए थे रात को, उनका खाना पीना यहीं पे था। और फिर खाना पीना होने के बाद में फिर वो लोग खाना वाना खाए, फिर बैठ के बातें बातें करें, फिर काम मैंने रहने दिया। अब क्योंकि अभी 8:15 का टाइम हो रहा है, बस चाय पी के फिर लगूँगी। पहले मैं किचन ही समेटूँगी आज, क्योंकि किचन ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा है मेरा। और ऐसे रहता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब ऐसा लगता है कब ख़त्म कर लूँ ये काम। थक गई थी इसलिए रात को छोड़ दिया मैं, नहीं तो मैं रात को ही कर लेती हूँ ऐसे। मतलब अगर ज़्यादा वो रहता है तो बर्तन साइड में करती हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म वगैरह गैस वगैरह साफ कर लेती हूँ। पर कल मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि कल सारा दिन भी मैं बिज़ी रही, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। लेकिन मेरी फ्रेंड आई थी तो उनके साथ में हम लोग कुछ कर रहे थे, तो उस वजह से मैं बिज़ी थी। तो दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं थोड़ा सा आराम कर पाती, और रात को फिर नहीं टाइम मिला, तो इस वजह से मैंने रहने दिया। अब मैं सब कुछ करूँगी कि चाय पी के करूँगी, क्योंकि चाय पी हुई तभी मेरे से होगा, नहीं तो पहले मैं चाय ले लेती हूँ। चाय भी देखिए बिल्कुल आधी कप, क्योंकि अभी मैं पी हूँ इसलिए आधी कप मैंने लिया है। आधी कप ही मैंने बनाया है एक्चुअली, क्योंकि फिर ज़्यादा चाय हो जाता है। अभी 8:15 हो रहा है और इतने में दो बार हो चुका है, ज़्यादा चाय भी अच्छी बात नहीं है। चाय पानी मैंने पी लिया है, और चाय पानी मतलब दोनों साथ में ही आता है। चाय मैंने पी लिया है, पानी तो हम पीते ही रहते हैं। और उसके बाद में मैंने बर्तन कर लिया है, उसके बाद में ये कर रही हूँ। बर्तन पहले मैंने कर लिया चाय पीने के बाद में, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे जैसा मैंने बताया। और सैटरडे का दोपहर से बर्तन इकट्ठा हो रखा था, मतलब दोपहर तक का तो मैंने बर्तन कर लिया था जो खाना वाना हमने खाया था। उसके बाद मेरी फ्रेंड आई थी तो उसके बाद में हमने मिठाई वगैरह बनाया था, तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन किया नहीं था क्योंकि हम फिर काम में लग गए थे, बिज़ी हो गए थे दूसरे काम में। मिठाई भी बनाया था तो इस वजह से मैंने नहीं किया। फिर शाम को भाभी लोग आ गए थे तो फिर खाना वाना बनाने में चाय पानी उन सब चीज़ में लग गई, तो रह ही गया बर्तन, हुआ नहीं। तो सैटरडे दोपहर से लेके और मतलब संडे सुबह तक का बर्तन, चाय पानी तक का बर्तन, आप समझ लो इतना सारा इकट्ठा हो गया था, जो कि मैंने धो लिया है। कढ़ाई 3-4 कढ़ाइयाँ हो गई थी तो सब धोया है, और अब मैं प्लेटफॉर्म साफ कर रही हूँ। और एक्चुअली क्या हुआ ना कि कोई आता है ना तो आप काम नहीं कर पाते हो, मतलब काम आपका ऐसा काम नहीं कर पाते कि जो बर्तन धोना हो या साफ़ सफाई का काम हो, अच्छा नहीं लगता। कोई बैठा हो और आप उनके साथ टाइम ना बिता के काम में लगे रहो तो अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से मेरे काम कई बार ऐसे रह जाते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई बैठा हो और मैं उनके साथ टाइम ना बिता के काम में लगे रहूँ। कोई क्या सोचे कि हाँ भाई देखो इनको काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फिर मैं नहीं छोड़ देती हूँ। और ऐसे ये सफाई मैं डेली करती हूँ, या ऐसा मतलब धोना मैं हफ्ते में 1-2 बार करती हूँ, ज़्यादा अगर गंदा होता है तो 2 बार धो लेती हूँ हफ्ते में। अगर गंदा नहीं होता ज़्यादा तो मैं फिर हफ्ते में 1 बार धोती हूँ, और इतनी सफाई मेरी डेली होती है गैस की और प्लेटफॉर्म की। क्योंकि बर्तन करती हूँ उसी समय मैं पोछ लेती हूँ पूरा, जो भी टाइल्स वगैरह लगे हैं या गैस हैं जो भी हैं। गले का प्रॉब्लम मेरे अभी भी है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है जैसे आप सुन सकते हो। पता नहीं, मैं सब कुछ कर रही हूँ, गर्म पानी का गला ले भी कर रही हूँ, हल्दी वाला गर्म पानी भी मैं पी रही हूँ, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, पता नहीं कब ठीक होगा। और यहाँ देखिए ये एक्चुअली सिंक है ना, वो सीमेंट वाला है, स्टील का नहीं है, तो एक तो अंधेरा भी है, मैंने लाइट भी नहीं जलाया है तो इस वजह से काला काला दिख रहा है। है साफ़ ही रखती हूँ मैं, एसिड वगैरह डाल के इसको साफ़ ही करती रहती हूँ मैं, बट स्टील का नहीं है ना तो उतना ज़्यादा लुक अच्छा नहीं आता इसका। और देखिए यहाँ मेरा बर्तन कितने सारे मैंने धो लिए हैं, पूरा पहाड़ लगा हुआ है बर्तनों का। और यहाँ मैं एक्चुअली खाने की तैयारी भी साथ साथ में कर रही हूँ, तो दाल में भिगो के रख दूँगी ताकि मुझे बनाने में टाइम ना लगे। और जैसा कि मैंने बताया कि हस्बैंड गए हुए हैं, वो है नहीं, सुबह वो जल्दी चले गए थे, तो खाना बस हम 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, मतलब मैं और बच्चों के लिए।
दाल इसलिए भिगो दे रही हूँ ताकि एक दो सीटी में बन जाए और आगे का काम मैं करूँ। और देखिए दाल का पानी हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको इकट्ठा कर लेती हूँ किसी बर्तन में, प्लांट में डाल देती हूँ, किसी भी गमले में डाल देती हूँ मैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये पानी जो है ना तो हमारे सेहत के लिए सही नहीं है पर प्लांट के लिए सही है, तो कभी भी आप इसको वेस्ट ना करें। आपके घर में प्लांट तो होंगे ही, हर घर में प्लांट होते हैं, एक आध गमले तो हर घर में होते हैं अगर ना भी रखें तो बस उसमें डालते जाइए। चाय की पत्ती है वो भी आप डालते जाओ। एक्चुअली मैं अपने प्लांट्स के लिए कोई भी अलग से खाद यूज़ नहीं करती, बस मैं यही डालती हूँ, यही सब जो घरेलू खाद है उसी का यूज़ मैं करती हूँ। जैसे मान लो जैसे दाल का पानी है या चाय पत्ती है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि अदरक वाली चाय बनाते हैं तो उसका भी डाल सकते हैं क्या, मैं बोली हाँ वो भी डाल सकते हैं। काफ़ी लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं तो, क्योंकि मेरे जो बालकनी है ना तो पूरा प्लांट से भरा हुआ है, हरियाली बहुत अच्छी है मेरे बालकनी में, तो लोग देखते हैं तो पूछते हैं। तो चाय पत्ती में अदरक हो इलायची हो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन हाँ उसको आप दो तीन पानी से धो लो उसके बाद डालना, क्योंकि उसमें मिठास होता है ना। कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा दूध डाल के चाय बनाते हैं ना तो वो रह जाता है, एकदम से निकलता नहीं है, तो उसको आप दो तीन पानी से धो लो, एकदम आपको लगे कि हाँ भाई वो सारा दूध का चिकनास जो है, चिकनापन है जो निकल चुका है, उसके बाद में आप उसको प्लांट में डाल दो। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है आज, तो दाल मैंने भिगो दिया है और यहाँ मैं कर रही हूँ चक्की है एक्चुअली ये, तो आटा पीसना है मुझे, आटा बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है तो इसलिए चक्की ला के चक्की लगाऊंगी और उसके बाद में सारा काम मैं आगे का करूंगी। ये होता रहेगा और आगे का मेरा काम भी साथ साथ में होता रहेगा। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा शाम तक काम ही काम है, आप आगे देखना, बहुत ज़्यादा काम है आज मुझे। तो बस मैंने यहाँ पे चक्की लगा दिया है और डाल दूंगी गेहूँ में इसमें। पहले तो इसको सफाई कर लूँगी क्योंकि 15-20 दिन जैसा हो गया इसमें आटा पीसे, तो थोड़ा सा साफ़ कर लेना बेहतर है। रखे रखे भी ना साफ़ करके ही रखती हूँ मैं, इसके जो जार है ना तो उसको मैं उसको धोना पड़ता है, बिना धोए साफ़ नहीं होता, बाकी इसको तो पोंछ के और साफ़ करना पड़ता है। तो फिर मैं थोड़ा सा बस इसको पोंछ देती हूँ और ब्रश से जो आटा रह गया है अंदर थोड़ा बहुत तो वो मैं हटा दूँगी। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये हस्बैंड करते हैं, हस्बैंड को ही अच्छे से समझ में आता है, मुझे भी समझ में है, मैं भी कर लेती हूँ। गेहूँ डाल दिया है मैंने, बस आटा पीस रहा है और यहाँ पे मैं कर लूँगी अपना दूसरा काम, यानी हेयर ऑयलिंग करनी है मुझे। काफ़ी टाइम से ऐसे 2-4 दिन होता है ना तो आपके जो हेयर ड्राई हो जाते हैं, और मुझे वॉश भी करना है एक्चुअली हेयर को, तो इसलिए मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा 2-4 घंटे का टाइम मिल जाए मेरे बालों को तेल अब्सॉर्ब करने में, और बार बार देख भी रही हूँ बीच बीच में आके कि क्या होता है ना कि मैं जब चक्की लगाती हूँ ना पीसने के लिए तो बीच बीच में रुक जाती है, पता नहीं क्या है मेरे से, शायद ये चलना नहीं चाहती है जो भी है, तो बीच बीच में रुक जाती है। और वही हस्बैंड ने इससे लास्ट टाइम जब उन्होंने आटा पीसा था तो मतलब ये बाउल देख रहे हो जिसमें हमने डाला है गेहूँ, तो एकदम ख़त्म होने के बाद में ही बंद होता है, और मेरे से क्या बीच बीच में ही बंद हो जाता है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लगता है। पता नहीं मैं अच्छे से ही सेट करती हूँ सब कुछ, बट क्या है मालूम नहीं। और यहाँ पे देखिए आटा मतलब चक्की मेरी चालू है, आटा पीस रहा है, और यहाँ मैं दाल रख दे रही हूँ, और हेयर ऑयलिंग मेरी हो गई है, दाल रख दूँगी ताकि ये भी काम मेरा होता रहे। और दाल रखने के बाद में भी मैं कपड़े वगैरह समेटूँगी, सैटरडे को मैं कपड़े धो लेती हूँ, सारा कुछ धोना नहीं रहता संडे के दिन, लेकिन उसको तय करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं सैटरडे के, बच्चे के स्कूल के हैं, यूनिफॉर्म वगैरह हैं, घर के हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे जो पहले तो मैं पर्दा लगा दूँगी क्योंकि पर्दे भी मैंने धोए थे, ये सिंगल पर्दा है जो सामने आप देख रहे हो ना, ये सिंगल पर्दा है। तो देखिए यहाँ बैठ गई हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा काम कर करके। एक्चुअली आपने अभी तक जो देखा ना उतना ही नहीं होता है, एक्चुअली एडिटिंग में हमें बहुत कुछ निकाल देना पड़ता है, और ज़्यादा मेरे तो अभी ऐसा है कि मैं 15 में से ज़्यादा वीडियो डाल भी नहीं सकती क्योंकि मैं अभी नई हूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो डालूं, तो इस वजह से फिर मुझे 15 मिनट के अंदर ही सब कुछ दिखाना होता है। तो इसलिए देखिए मैंने पर्दे लगा दिए हैं और यहाँ जो उड़ने उड़ने का था तो वो मैंने समेट के रख दिए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कपड़े बहुत सारे हैं तय करने के लिए, सैटरडे के कपड़े धुले हुए हैं एक्चुअली ये जो कि मैं आज कर रही हूँ। संडे है तो लेट ही उठते हैं बच्चे संडे के दिन, और अभी भी देखो ये मूड में नहीं आया है उठ के। एक्चुअली क्या है ना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सामने ही रोड है, मेन रोड,
और गाड़ियों की वजह से तो धूल मिट्टी आती ही आती है, बट कुछ काम भी चल रहा है तो ट्रक भर भर के मिट्टी लाना ले जाना कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत धूल आती है। और बच्चे क्या, जितने बच्चे जब घर पे होते हैं 10 बार दरवाज़ा खोलते हैं, उनका अंदर बाहर आना जाना चालू ही रहता है, तो उतने देर में भी बहुत सारी मिट्टी घर में आ जाती है, बहुत सारा डस्ट आ जाता है। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ता है, दिन में कई बार करना पड़ता है। और इनको देखिए, यहाँ इनकी मस्ती चालू है क्योंकि बच्चे कभी शांति से नहीं बैठते। और कपड़ों के एक्चुअली देखिए, यहाँ पे सेक्शन बना रखे हैं मैंने, अलमारी मेरे पास एक ही है तो मुझे ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है, तो मैंने सबके कपड़ों के सेक्शन अलग बना रखे हैं ताकि फैले नहीं, मतलब कोई एक ले तो दूसरे का फैले नहीं, तो इस वजह से मैंने अलग अलग रख रखे हैं सबके। और कपड़े तय करके उसकी जगह पर ना रख दो ना तो फिर से वो फैल जाते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता, फिर बाहर पड़ा रहता है तो इसी वजह से हाथों हाथ नहीं, अगर मैं तय करती तो भले बाहर पड़ा रहे बिना तय किए वो चलता है, बट तय करने के बाद में बाहर नहीं छोड़ती क्योंकि फिर से फैल जाते हैं, आपका मेहनत पानी में जाता है, तो इस वजह से मैं उसे फटाफट से अलमारी में रख ही देती हूँ। और यहाँ देखिए, एक्चुअली आ गए थे हस्बैंड जब तक कि मैं ये सब काम कर रही थी, मतलब मैंने दाल उबाल लिए हैं, कपड़े तय कर लिए, कपड़े तय करने में मुझे कम से कम आधा घंटा जैसा लग गया था, मतलब वही 30-40-35 मिनट लग गए थे मुझे। और उसके बाद में मैंने काफ़ी सारा काम और भी किया था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हस्बैंड आ गए थे 1 बजे तक आ गए थे, तो आटा जो हो गया है वो मैं निकाल रही हूँ, एक्चुअली डब्बे में डाल दे रही हूँ, और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आटा एकदम से ख़त्म है, इसलिए मैंने चक्की लगाई, वरना मैंने लगाती, हस्बैंड को ही बोलती लगाने के लिए, मुझे लगा शाम तक आएंगे, मतलब गए थे तो बोल के नहीं गए थे कुछ ऐसा कि हाँ जल्दी आ जाएंगे, उनको भी पता नहीं था कि कितना टाइम लगने वाला है एक्चुअली, तो इसी वजह से उन्होंने भी नहीं बताया था और वो दोपहर में आ गए थे। तो बस मैं यहाँ खाली कर लूँगी और दूसरी बार मैं और लगा दूँगी चक्की। घर पे होते हैं हस्बैंड तो कोशिश करती हूँ कि वही ये सब काम कर ले, मतलब देखो ऐसे तो कुछ हेल्प करते नहीं है ज़्यादा, हाँ बीमार उमार हूँ तो मजबूरी में बात अलग है, बट ऐसे मेरे घर में ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प करने वाला है, तो ये सब काम कर लेते हैं, मतलब जैसे चक्की लगाना है, आटा पीसना है, कुछ एक्स्ट्रा काम है वो सब कर लेते हैं, बट डेली के काम में हेल्प नहीं कराते, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि वही पीस लें, वही कर लें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारा टाइम जाता है, आपका दूसरा काम हो सकता है इसमें, बट आटा नहीं था इस वजह से मुझे चक्की लगानी पड़ी। और देखिए, जैसे मैंने बताया कि आटा नहीं था तो बस मैंने आटा एक बार का निकाला है और वही मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। दाल बन गया है मेरा, यहाँ पे दाल मैंने बना लिया है, चावल मैंने बना लिया है, एक्चुअली चावल भी बन चुका है, आप देख सकते हो साइड में कुकर, और बस यहाँ पे मैंने लास्ट में आटा लगाया है और तवा रख रही हूँ फटाफट से क्योंकि लेट हो गया था। पहले हस्बैंड ने बताया नहीं कि वो खाना खा के नहीं आने वाले हैं, ऐसा कुछ फ़ोन कर देना चाहिए, उनको फ़ोन किया नहीं था उन्होंने, और आए तो बोले भूख लगी है और जल्दी से खाना रेडी है कि नहीं है, तो फिर तो मैं खाली रोटी बनानी बाकी थी, बाकी सब तो बन गया था, तो फटाफट से मैं रोटियाँ उतार दे रही हूँ। और दाल भी मैंने आज सिंपल सी दाल बनाई है, एकदम सिंपल वाली, और आलू की भुजिया बनाई है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इन्होंने कुछ बताया नहीं था, तो उसकी वजह से फिर मैंने सादा सिंपल ही खाना बनाया। ये खाने वाले होते हैं तो सादा सिंपल इनको नहीं पसंद है, दाल इनको बिल्कुल ही सादा सिंपल नहीं पसंद है। मैंने एक्चुअली दाल में तड़का लगाया है जीरा लहसुन और सूखी लाल मिर्च का, बस सिंपल सा तड़का लगाया है, और ओम को बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी दाल, मतलब जो सिंपल वाली दाल है ना, जो देखिए यहाँ पर को देख के समझ में आ रहा होगा, सूखी लाल मिर्च जीरा और लहसुन से मैंने तड़का लगाया, बाकी कोई भी मसाले इसमें नहीं ऐड किया है मैंने, तो ओम को इस दाल बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने बना लिया है आलू का भुजिया, तो लेकिन हस्बैंड को ये पसंद नहीं है, उनको मसाले वाली दाल ही पसंद आती है, बट उनको खाना पड़ा आज यही क्योंकि पहले